आपने कभी सोचा है कि अगर हर दिन की रूटीन में आपके घर के सामने गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल का गाड़ी आना बंद हो जाए तो कचरों का क्या होगा? यह सारे कचरे कहाँ जाएंगे और कचरों का ढेर किस तरह से आपको परेशान करेगा? इस परेशानी में एक बार पहले भी लोग पड़ चुके हैं, जब बिहार की राजधानी पटना में सफाई कर्मचारी, नगर निगम के सभी कर्मचारी हड़ताल पर गए थे। सभी जगहों पर सिर्फ और सिर्फ कचरा ही नजर आ रहा था। ऐसा ही हाल फिर से हो सकता है। बता दें कि राज्य भर के 50,000 नगर निकाय कर्मी 11 सूत्री मांगों के अनुसार 27 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी गई, तो वहीं आपको बता दें कि मांगे कुछ इस तरह है कि इन कर्मचारियों को जहां सरकारी कर्मी नहीं बनाया जा रहा, इस पर मांगे रखी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि इनके दैनिक कर्मियों की सेवा अविलंब नियमित करने की मुख्य मांग है। वहीं समान कार्य का समान वेतन पर मुख्य मांग है। इसी के साथ आपको बता दें कि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी और मुआवजे के रूप में 10,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, इसकी भी मांग है। तो वहीं 74वां संविधान संशोधन की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ बंद किया जाए, यह भी मांग रखी गई है। बता दें, इन सभी मांगों के साथ में यह पूरा हड़ताल चलेगा। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ही मांगों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके बाद यह सभी हड़ताल पर जाने वाले हैं। ब्यूरो सिटी पोस्ट लाइव।